इधर गारडी विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद पहली बार नव निर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन गिरिडीह स्थित पार्टी कार्यालय पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद और सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू की तारीफ करते हुए कहा कि मैं यहां की जनता के शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे विधायक बनाया। साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस लेने की बात कही। लड़ाई अभी बाकी है, अभी तो एक चुनाव हुआ था, उस साल का जो सबसे बड़ा चुनाव है हमारा विधानसभा चुनाव। हमारे बाबा बुजुर्ग भैया जितने कर्मठ तरीके से लगे हुए, मैं चाहूंगी कि हमारी माताएं बहने, हमारी कन्या नेत्री जितनी है, वो ज्यादा महिलाओं को जोड़े और जितनी मजबूती से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपको भी बताना चाहूंगी कि हिंदुस्तान में हमारी आधी आबादी महिला आबादी है, और जब आप लोग घर संभाल सकते हैं तो आप क्षेत्र भी संभाल सकते हैं, आप पद भी संभाल सकते हैं, और हर एक लोगों को जोड़ने का काम कर सकते हैं। तो बस आप लोगों से मैं इतना कहना चाहूंगी, आखिर में अब हम लोगों के पास वक्त नहीं है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।